भाजपा यानी जनसंघ 1952 का पहला चुनाव हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नाम पर लड़ी थी, 1967 का चुनाव गो हत्यारा मुसलमान के एजेंडे पर लड़ा गया, 1986 से 2000 तक 11 इलेक्शन राम मंदिर बनाम बाबर के खिलाफ लड़ा गया, 2014 का चुनाव मुसलमानों को सबक सिखाने वाले नरेंद्र मोदी के बैनर पर जीता गया, और 2017 गुजरात का चुनाव चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ने की रणनीति बन चुकी है। इसलिए अब अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास के इजलास में हाजिर किया जाए और सवाल किया जाए कि क्या अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हमला किया। इतिहासकारों का कलमबंद बयान है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना, 1298 में गुजरात जीता, 1299 में जैसलमेर, 1301 में रणथंभौर जीता और 1303 में पद्मिनी का चित्तौड़ जीता, 1305 में मालवा, 1307 में जालौर और देवगिरी, 1310 में तेलंगाना, 1310 में ही होयसल और 1311 में पांडे राज मावर केरला जीत लिया और इस तरह वह अखंड भारत का पहला सुल्तान बना। उस वक्त खिलजी का हिंदुस्तान का साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे दौलतमंद साम्राज्य और खिलजी की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना जिसकी तादाद 4,75,000 थी। वैसे राजाओं और बादशाहों की ख्वाहिशों में नंबर एक हुकूमत, दो नंबर पे दौलत, तीन नंबर पे औरत। तारीख में ऐसा कोई राजा या बादशाह नहीं जो एक औरत के लिए अपनी हुकूमत को जोखिम में डाले, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के जो स्वयंवर से जयचंद की बेटी संजोगिता को उठा लाया और आखिर में संजोगिता ही पृथ्वीराज के विनाश का कारण बनी। राजा या बादशाह की बीवियां रखने में कोई किसी से कम नहीं। अलाउद्दीन खिलजी को लगभग 3 बीवियां, अकबर को 9 बीवियां, औरंगजेब को 4 बीवियां, तो पृथ्वीराज चौहान को 14 बीवियां, राणा उदय सिंह को 20 पत्नियां, राणा प्रताप की 11 पत्नियां, राणा अमर सिंह को 26 पत्नियां और शिवाजी महाराज को 7 पत्नियां थी। दर्जनों मुस्लिम बादशाहों की शादियां राजकुमारियों से हुई हैं। जहांगीर की मां, शाहजहां की मां, औरंगजेब की दादी, ये सब राजघराने की राजकुमारियां थी। ये शादियां सल्तनत की मजबूती के लिए की जाती थी, न कि हिंदुओं को तौहीन करने के लिए। इसलिए इन तमाम तारीखी दलायल को देखते हुए इतिहास की अदालत अलाउद्दीन के केस को खारिज करती है। आस मोहम्मद, थैंक यू।